wait for 2 minutes. Sunil, he has joined, he just left, so he will be there. And who left? Priya, okay. So, today's session will be a little bit smaller. We won't take that much. Please, can somebody tell me? Okay. Yes. No problem. By default, it is of that same email ID. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग दिख रहा है? मैं बोला यार मेरे पर्सनल अकाउंट से भी रिकॉर्डिंग होता है क्या? अच्छी हो तब तो और मजा आ जाता। Are you able to see the screen? Yes, sir. So, what is today's sheet? Task sheet? Python function. पाइथन में फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन क्या है? तो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रन होगा तभी जब उसको कॉल करेंगे हम लोग। पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। हम लोग डेटा पास कर सकते हैं जिसको कि हम लोग पैरामीटर बोलेंगे एक फंक्शन के अंदर। फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। अभी देखो ये क्या है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं वो सब देखने वाले हम लोग। एंड आउटपुट में क्या आएगा तो रिजल्ट देगा वो, ठीक है? तो फंक्शन में जो भी करना चाहते हैं हम लोग उसका आउटपुट जो होगा दैट विल बी द रिजल्ट। क्रिएटिंग अ फंक्शन, हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? शुड आई इंक्रीज द फॉन्ट? यस सर। I'll do one thing. I'll try to create its PDF. If possible. Is it okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, how we can create a function? That is our next that we have to see. So, it's simple. In Python, a function is defined using def keyword. So, function mein, hum log Python mein function ko kaise define karte hain? Def keyword se define karte hain.
देखो अगर मुझे फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं करते जा रहा हूं, आप देखते जाओ। डेफ डेफ इसलिए मैं सोच रहा था कि वो स्क्रीन ये बड़ा करने से ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि अभी ऐसा अच्छा दिख रहा है ये पाइथन का विंडो सर, ऐसे अच्छा दिख रहा है सर। माई फंक्शन ठीक है, तो मैंने एक डिफाइन किया फंक्शन को और फंक्शन का नाम क्या है माई फंक्शन ठीक है। डिफाइन करने के लिए कीवर्ड क्या है इसका DEF प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन ठीक है, ऐसा टाइप किया मैंने, ये आ गया। अभी मुझे आउटपुट पे हेलो फ्रॉम अ फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा फंक्शन को कॉल करूंगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो माय फंक्शन का नाम लिखो और ये पैरेंथेसिस के साथ, तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने फंक्शन को कॉल किया, पहले फंक्शन को डिफाइन किया, डिफाइन कैसे किया तो कीवर्ड यूज किया डेफ माई फंक्शन, तो मेरा माई फंक्शन करके एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। उसके अंदर ये एक और चीज है, माई फंक्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं कोई भी फंक्शन तो उसको पैरेंथेसिस लगाते हैं हम लोग, उसके बिना फंक्शन नहीं आता है, ये सिंटेक्स है, तो पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा आपको। एंड डेफ जो होगा इट इज लाइक इफ या फॉर लूप जिसके की एंड में कॉलन आएगा, जैसे कॉलन आ गया तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटेंट देना पड़ेगा, वाइट स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये प्रिंट मैंने लिखा है, तो ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया डेफ कीवर्ड से और उसके अंदर का कंटेंट जो है वो भी क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, उसको कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपली फंक्शन का नाम लिखो पैरेंथेसिस के साथ, तो आपको हेलो फ्रॉम अ फंक्शन जो भी उसके कंटेंट है वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दो चीज सीखी अभी हम लोगों ने, पहली चीज तो फंक्शन क्या होता है वो सीखा, तो फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन, अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रन होता है जब उसको कॉल किया जाता है, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और जब हम उसको कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में आउटपुट देगा जिसको कि हम लोग रिजल्ट बोलते हैं ठीक है। अभी फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है, तो डेफ कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया जाता है, और उसको कॉल करना है तो फंक्शन का नाम लिख दो पैरेंथेसिस के साथ, तो फंक्शन का जो कंटेंट है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो उसके कंटेंट जो होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे ठीक है। तो ये चीज देखिए अभी हम लोगों ने, अभी नेक्स्ट पैरामीटर्स, इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शंस एज पैरामीटर, पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, यू कैन एड एज मेनी पैरामीटर्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विथ अ कॉमा। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फंक्शन के हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स डाल सकते हैं ठीक है। तो एक पैरामीटर डाल सकते हो आप और एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी डाल सकते हो, तो कैसे डाल सकते हैं उसका मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ माई फंक्शन, माई फंक्शन नाम देखो आप कुछ दे सकते हो ए कॉमा बी ठीक है। तो मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर डाले ठीक है, फिर मैंने क्या डाला सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ये डाल दिया, अभी मैं इसको बाहर आ जाता हूं। अगर मैंने ऐसा लिखा माय फंक्शन 5, 4 प्रिंट माय फंक्शन 5, 4 देख सकते हैं नन ओके प्रिंट माय फंक्शन ओके फाइन, उसको एक ये चाहिए जस्ट अ सेकंड सर, रिटर्न करो, रिटर्न के बाद प्रिंट करो, रिटर्न से भी हो जाता है वो, विदाउट रिटर्न भी हो जाता है वो, विदाउट रिटर्न रिटर्न करके भी है, अभी रिटर्न करके दिखाता हूं मैं कैसा है, उसके बाद वैसा करेंगे। ये हो गया रिटर्न ए प्लस बी लिख किया, अभी
my function 3, 4. तो ये इस वे से हो गया 3, 4, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी वैसा भी हो जाएगा, c is equal to a plus b, ठीक है। अब ये क्या है, my function 3, 4, सॉरी दूसरा ले लेते हैं, तो ऊपर वाला ही आ रहा है आंसर, समझ में नहीं आएगा। ये आ गया प्रिंट c, नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं उसको, लेकिन आप रिटर्न वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है ये, तो पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो कैसे है वो, तो डेफ माई फंक्शन एफ नेम प्रिंट एफ नेम प्लस कंप्यूटर्स, ये डाला। अभी माई फंक्शन PCS Tech Phoenix, ये लिखा, जो सिंटैक्स इनवैलिड बता रहे, ठीक है। माई फंक्शन टेक्स्ट फिनिक्स, अभी क्या है, माई फंक्शन टेक्स्ट फिनिक्स हो गया, इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सर रिकर्सिव कॉल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि माय फंक्शन के अंदर माय फंक्शन कॉल किया है। माय फंक्शन अभी ठीक है, यस किया। अभी देखो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर एक पैरामीटर डाला एफ नेम करके, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, प्रिंट एफ नेम प्लस कंप्यूटर, ये जो है, ये कंप्यूटर जो है, इट इज जस्ट लाइक इट इज अ स्ट्रिंग, तो ये इस वजह से स्ट्रिंग को ये कॉन्कैटिनेट करेगा प्लस कंप्यूटर्स। सो एफ नेम को हम लोग क्या देना चाहते हैं, तो एफ नेम को मैं यहाँ पे जो भी पास करूंगा माई फंक्शन को, वो एफ नेम को जाएगा, एफ नेम को जाएगा मतलब क्या होगा, वो यहाँ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे वाली लाइन में, माय फंक्शन मतलब जो फंक्शन का नाम है हमारा वो, और उसके अंदर मैंने क्या डाला, टेक फिनिक्स, तो टेक फिनिक्स वाला, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक फिनिक्स आ जाएगा, और वो दो, ये टेक फिनिक्स एंड कंप्यूटर दोनों कॉन्केटिनेट होकर टेक फिनिक्स कंप्यूटर दिखाएगी। अभी सपोज थोड़ा सा ऐसा किया, टेक फिनिक्स कंप्यूटर्स ऐसा आ जाएगा। दूसरा कुछ करना है तो आप दूसरा डाल दो, न्यू टेक कंप्यूटर्स, मतलब इस वे से आप कुछ भी कर सकते हो। एक ये हो गया कि उसके अंदर पैरामीटर डाल के, अभी हम एक पैरामीटर डाल के देख रहे हैं, वैसे ही आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी डाल सकते हो। तो एक पैरामीटर डाला एफ नेम, और इस वे से अभी मान लो थोड़ा सा इसमें अगर हम लोगों ने चेंज किया, क्या किया मैंने, तो यहाँ पे माई फंक्शन के अंदर प्रिंट में आई एम फ्रॉम अ कंट्री बाद में डाला, तो इस वे से कर सकते हैं कि my function country is equal to India. The following example shows how to use a default parameter value. If we call the function without parameter, it uses the default value. ठीक है, वो भी करके देखेंगे। मतलब अगर आपने suppose call किया my function और उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो by default जो है वही print होगा। वो भी करके देखते हैं, समझ में आएगा क्या print होता है। Suppose my function ही खाली आपने call किया, तो क्या print होगा? ठीक है? फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने क्या define किया? Country is equal to India. तो यहाँ पे क्या print होगा? My function पे I am from India print होगा। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा करके डाल दिया एक वैल्यू वहां पे, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया।
करके देखते हैं, def my function country is equal to India. Print I am from, यह आ गया तो कॉन्कैटिनेट करना है, प्लस ऊपर क्या पैरामीटर का नाम क्या है, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया. क्यों लिखा, इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम लोग विदाउट पैरामीटर को कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया लेना चाहिए, इसी के लिए. ठीक है, अभी जैसे कि सपोज मैं वहां पे लिखता हूँ माई फंक्शन और लिखता हूँ मैं स्वीडन, SWEDEN स्वीडन, आई एम फ्रॉम स्वीडन, फिर से करेंगे I am, okay, got it. I am from Sweden. आ गया. अभी दूसरा कोई कंट्री का नाम लेते हैं, my function, ठीक है, JPN, जापान. I am from Japan. I am from Japan. ठीक है, अभी मैंने ब्लैंक अगर पास किया सपोज, के अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो I am from India आ गया. ठीक है, तो इसीलिए वहां पे डाला हुआ है. अभी मान लो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, I am from country. I am from Sweden आ गया. अगर मैंने ऐसा किया तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे कंट्री में हमें वहां पे पैरामीटर में कुछ ना कुछ यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा. तो दैट इज वाई वी हैव सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो साथ में यहाँ पे, ताकि अगर कंट्री जो हमारा ये पैरामीटर वहां पे कुछ पास किए हम लोगों ने तो कंट्री जगह पे वो लिख लेगा उस पैरामीटर की जगह पे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इंडिया लिख देगा वो. ठीक है, सो एक पैरामीटर हम लोग कैसे पास करते हैं फंक्शन में वो दिखा हम लोगों ने. रिटर्न वैल्यूज, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट. एक ये करके देखते हैं, ये भी समझ में आएगा आपको, मतलब कोई भी अगर छोटे मोटे कैलकुलेशन है या कुछ इस टाइप से है तो कर सकते हैं. क्या करना है, def my function x return 5 into x, print my function 3, ठीक है, क्या आएगा 15. क्यों आया, क्या किया इसके अंदर, def माई फंक्शन मतलब डिफाइन किया माई फंक्शन और उसको एक पैरामीटर पास किया x. ठीक है, फिर क्या हो गया, हम लोगों ने ये यूज किया, मैंने बताया था ये रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसके आउटपुट रिटर्न करेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे डेफिनेशन में फंक्शन के. अब फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट, तो यहाँ पे रिटर्न 5 इंटू x, तो हमें क्या करना है, x की जो यहाँ पे माई फंक्शन में यहाँ जो भी डालेंगे, यहाँ पे मैंने क्या डाला है 3, तो क्या होगा वो 3 की वैल्यू यहाँ पे डालेगा, तो 5 3 15 15 इट विल रिटर्न एज एन आउटपुट. ठीक है, अगर दूसरा कुछ डाला तो 25 25. ठीक है, तो इस वजह से एक दूसरा कुछ करके देखते हैं, def माय फंक्शन, दो पैरामीटर लेते हैं, ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी, टू कॉमा थ्री. इसी वजह से
दूसरे भी आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दो वैल्यू पास किया, आप तीन वैल्यू भी पास कर सकते हो। ठीक है, अभी इधर देखते हैं, प्रोग्राम करना है अगर हमें, प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इजी वे है इसका, थोड़ा सा मैं चेंज करके भी इसी वे से करेंगे। एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे किया, तो ये लिया ए एंड बी, ऊपर दिखा रखा है आपको, रिटर्न ए प्लस बी, माय फंक्शन, पहला प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर। सो माय फंक्शन डिफाइन किया टू थ्री या थ्री कॉमा फोर, सेवन आ गया आउटपुट। ठीक है, अगर वैसा नहीं करना है हमें, चाहिए थोड़ा अलग से, कैसे करेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग, सिंटैक्स का देख लेंगे। प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स आर, माय फंक्शन क्या वर्ण होगा, क्या बोलो, हेलो हेलो, यस सर, वर्ण होगा क्या, हो जाएगा सर, क्या आएगा आउटपुट पे, सेवन, सम ऑफ टू नंबर। So, ये पहला प्रोग्राम था छोटा सा, प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। कैसे करेंगे एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, तो तीन पैरामीटर पास करेंगे उसमें। एक और भी अलग अलग वे है, बट हमें फंक्शन क्रिएट करके करवा रहा हूँ, इसीलिए ऐसे जा रहे हैं हम लोग। विदाउट फंक्शन का करना होगा तो सीधा आप तीन नंबर डिफाइन करो और फिर आप कर लो। इस फंक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें रिटर्न वैल्यू पढ़ी है, इसलिए हम लोग इस वजह से जा रहे हैं। ये प्लस बी प्लस सी, थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन, ऐसा भी आ सकता है, नहीं तो आप जैसे मैंने ऊपर किया वैसा भी कर सकते हो। तो कितना आएगा आंसर, बोलो, फिफ्टीन। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम समझ में आया आपको, आई गेस, प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। थर्ड क्या है, थर्ड प्रोग्राम इज टू प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। कैसे करेंगे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, कैसे करेंगे बताओ, आप लोग कर सकते हो क्या? यस सर, साहिल कर सकता है, कौन कर सकता है लार्जेस्ट ऑफ टू, फंक्शन को यूज करके करना है, और कौन कर सकता है लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर ये वाला प्रोग्राम? यस सर, फंक्शन को यूज करके। दो, तीसरा कौन था अभी, I haven't seen. Sahil, Karan and who else can do? Priti, can you do? Yes, sir. Akshay? Yes, sir. Sunil? Yes, sir. Two numbers karna hai. Janvi? Yes, sir. पूजा? यस सर। सिद्धिका? यस सर। ओके, आप लोग ट्राई करो, पहले ये छोटा वाला, ये जो है छोटा सा प्रोग्राम, ये एक कोई भी सम ऑफ टू नंबर या थ्री नंबर वाला रन कर लो, और फिर आप मैक्सिमम ऑफ टू नंबर जो है वो वाला आप ट्राई करो, प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स।
प्लीज ट्राई। जिसका हो जाएगा जस्ट चैट में रिप्लाई करो यस हो गया, आगे का फिर मैं पूछूंगा आपको कैसे किया। File has done. Okay.
How many of you have done? Only Sahil has done. अक्षय आपका कोड जो है ना पेस्ट करो ना, आप चैट में पेस्ट करो कोड को, कैसे किया देखना है मुझे। करण रुको मैं अक्षय का चेक करता हूँ कोड। ओके ठीक है। साहिल आपका भेजो चैट पे। सर व्हाट ओके सर क्या बोल रहे हो? आई सर व्हाट पीसी पे क्या है तो मैं जॉइन मोबाइल से हुआ हूँ। फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करो, स्नैपशॉट पॉसिबल है? यस सर। सॉरी करण आप कैसे हुआ है? हाउ यू हैव डन करण? करण आपका कोड पेस्ट करो। यस सर। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सी इज लार्जेस्ट ऑफ, आउटपुट कहां पे है? करण रिटर्न करण क्या रिटर्न ए बी ही है? मतलब ए बी है सर, वो रॉन्ग हो रहा था। ठीक है एनीबॉडी एल्स हु हैव डन हु हैज डन सॉरी हु हैव नहीं होते हु हैज डन ओके देखो इधर सिंपल है। आई थिंक फंक्शन के मेन वही जो यूज क्या है फंक्शन का कि आप डायरेक्टली क्रिएट करो। बट जैसे इसने किया अक्षय ने ओके इसने फंक्शन यूज करके उसने जो दिमाग लगाया बहुत सही है। और साहिल ने पहले साइड से कोर्स किया हुआ साहिल ने पाइथन का तो ही इज नोइंग दैट। सर नो सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ मतलब ऑनलाइन कोडिंग के जो वेबसाइट है उस पर प्रैक्टिस करता हूँ इसके लिए आया। ठीक है तो क्या करेंगे फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। सो दो नंबर का है तो मैं ए और बी पास किया मैंने। अभी क्या करना है प्रिंट लार्जेस्ट नंबर बिटवीन ए एंड बी। is
लार्जेस्ट नंबर बिटवीन ए एंड बी इज, मैक्स डायरेक्टली एक इसके थ्रू आपको डायरेक्टली आ जाते हैं, यू कैन यूज मैक्स कीवर्ड सो यू विल गेट दिस. आई होप आई एम नॉट कमिटिंग एनी सिंटैक्स एरर. ए largest number between this Abhi, max of 100 200 so 200 आ गया. क्या करना पड़ा आपको, एक फंक्शन डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स का. दिख रहा है क्या, सभी लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे? हेलो. डेफ मैक्स ऑफ टू, मैक्स अंडरस्कोर टू, ये एक फंक्शन का नाम क्रिएट किया हम लोगों ने, ए कॉमा बी. उसके अंदर हम लोगों ने लिखा प्रिंट लार्जेस्ट नंबर बिटवीन. तो लार्जेस्ट नंबर बिटवीन सिंटेक्स भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा प्रिंट कैसे लिखते हैं. लार्जेस्ट नंबर बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में. ए जो है वो एज ए वैल्यू आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, इसीलिए ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी. तो उस वजह से हम लोग, लेकिन वो गलत आ रहा है ना. अच्छा, प्रिंट मैक्स 100, ओके, मैक्स 200 300, तो आ गया लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 300 एंड 400 इज, लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 300 एंड 400 इज 400. तो कैसे आया, तो लार्जेस्ट नंबर बिटवीन जो लिखा मैंने दैट वाज स्ट्रिंग, तो उसका जो भी डालेंगे वो वहां पे आना चाहिए आउटपुट पे. बाद में ए जो है ए के जगह पे उसने वो वैल्यू डालनी चाहिए, जैसे 300 लिखा है 300 आना चाहिए, इसलिए उसको हम लोगों ने एज ए स्ट्रिंग सिंगल इनवर्टेड डबल इनवर्टेड में नहीं लिखा है उसको, डायरेक्टली हम लोगों ने ए लिखा है. और एंड जो है वो भी एज ए स्ट्रिंग आना चाहिए, तो एंड है. बी जो है उसकी जस्ट डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से लेगा जो भी हम डालेंगे, इसलिए बी को हम लोगों ने एज ए स्ट्रिंग मतलब डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखा है. फिर इज जो है वो एज ए स्ट्रिंग लिखा है, और बाद में क्या करेगा वो, तो वो आउटपुट आना चाहिए, तो मैक्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक है. तो क्या आ गया 300 कॉमा 400, तो क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का नंबर जो होगा 400. कोड आपका ये बीच का जो लाइन्स है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस टाइप से चाहिए लगा, तो मैं वापस से लिख के देता हूँ. दूसरी चीज, आपको अगर स्ट्रिंग क्लियर, ये सॉरी ये पूरा स्क्रीन क्लियर करना है तो उसका एक वे है कंट्रोल विद एल, बट वो मेरे में वर्क नहीं कर रहा है, बट किसी किसी में वर्क करता है, किसी में वर्क नहीं करता है, जिससे कि स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाता है. तो अगर आप में किसी में वर्क कर रहा है, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके एंटर करना है, अगर होता है तो मुझे बताओ फिर, ठीक है. इट्स नॉट वर्किंग इन माय पीसी लैपटॉप, सो मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है ऊपर. मैं वापस से कोड लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा. आई विल डू वन थिंग, ये प्रोग्राम को मैं थोनी में लिखता हूँ सो दैट. बोलो, Somebody was saying something. Larger number between two numbers. Def. Max of 2, क्या ए एंड बी, क्या प्रिंट
डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ। Max 200 by comma 300 save kiya aaj today is 7th session so max of 2 aap python ko notepad mein bhi likh sakte ho एक प्रोग्राम होगा तो मैं नोटपैड पे करके दिखाता हूँ कि सर हमारे आई पाइथन मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है उसमें। आप नोटपैड पे अगर आपके पास कोई भी आईडी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, या कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कि आपके सिस्टम में वो दूसरा को सॉफ्टवेयर अपलोड करने ही नहीं दे रहे हो, जैसे हमारे कॉलेज में है वहाँ पे सब कुछ लॉक करके रखते हैं वो लोग। सो इन दैट केस आप नोटपैड ओपन करो, वहाँ प्रोग्राम लिखो, उसको डॉट पी वाई से सेव करना। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको मैक्स ऑफ 2 लिखा फाइल का नाम, तो डॉट पी वाई बाई डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि आईडी है। अगर मैं नोटपैड में लिखता तो मुझे पूरा पूरे इससे सेव करना पड़ता मैक्स ऑफ 2 डॉट पी वाई से, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग उसको रन कर सकते हैं। फिर अभी इसको मैं यहाँ पे आ गया, लार्जेस्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 300 इज 300, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूं मैं ग्रुप पे। मोस्टली जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग इस वे से नहीं करेंगे, हम लोग यूजुअली जो प्रोग्राम का वे वो अलग ही रहता है, बट मेन है कि फंक्शन आपको क्रिएट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इस वे से करके बता रहा हूँ आपको। अरे अरे कल भी नहीं हो रहा था। ठीक है, बीच में अगर ये व्हाट्सएप चालू हो गया देन इट्स ओके, अदरवाइज अभी आप क्या करना है, मुझे चाहिए कि सबको आना चाहिए ये। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, आप इसको देखो इस प्रोग्राम को, और 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर जो है वो मुझे बताओ करके। अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आपने नोटबुक पेंसिल के भी अगर कर किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आउटपुट कैसे मिल रहा है मुझे, तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया है तो खाली मुझे फंक्शन को यहाँ पे लिखना पड़ा, कहाँ पे ये जो फंक्शन था वो यहाँ पे लिखना पड़ा, और वहां पे ए और बी की वैल्यू मुझे डालनी पड़ी। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और यहाँ पे मैक्स ऑफ ए एंड बी का आउटपुट दिखा देगा। मैक्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें ए एंड जो भी इसके अंदर जो होता है उसका दो वैल्यू के बीच का लार्जेस्ट दिखा देता है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को कॉल प्रिंट नहीं लिखा है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने प्रिंट डाला हुआ है। तो आप ऐसे ही प्रोग्राम लिख के मुझे 3 नंबर का लार्जेस्ट मुझे करके स्नैप भेजो, जिसका हो जाता है स्नैप भेजो। सिस्टम नहीं है तो वो हाथ से लिख के मुझे स्नैप भेजो आप लोग। You have to do largest of 3 number. You have 2 minutes time, and I want for each one of you to send me on WhatsApp.
गौरी उधर लास्ट वाले लाइन में आपने टैब देना है, वाइट स्पेस नहीं है, और वाइट स्पेस देने के बाद गौरी आ रहा है कि नहीं आपको, आउटपुट आया? जानवी ने खाली आउटपुट भेजा, अभी करण का भी आ रहा है आउटपुट, देखते हैं। साहिल का भी आ गया, साहिल आपने 2 नंबर का भेजा है, देख सके ना। 3 नंबर का भी आया है, आउटपुट का ऐसा है। अच्छा 4, 7 and 9 is 9, ठीक है। निशा निशा है सर, आई वांट योर आउटपुट। यस सर, सिस्टम काम नहीं कर रही, अभी भेजती हूँ 5 मिनट। Are you able to see the screen? Yes, sir. Next worksheet is about Python lambda function. Lambda function is a small anonymous function. A lambda function can take any number of arguments but can only have one expression. Syntax kya lambda function ka? Actually spelling is mistake. L-A-M-B-D-A hota hai. L-A-M-B-D-A. LAMBDA. So lambda arguments colon expression. Expression is executed and the result is returned. तो इसमें क्या होता है कि lambda argument colon expression, इस वजह से हम लोग लिखते हैं, तो रेडीमेड फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग, हमारे पास है, कैसे वर्क करता है देखना है हमें, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कॉलन एक्सप्रेशन से करते हैं। एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट जो होता है रिटर्न होता है। अ लैम्डा फंक्शन दैट एड्स 10 टू द नंबर पास्ड इन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हमने x इज इक्वल टू लैम्डा ए कॉलन ए प्लस 10, तो क्या करेगा ये जो आर्ग्यूमेंट है 5 वो इस एक्सप्रेशन में डालेगा, तो कहां पर डालेगा वो ए की जगह पे, और वहां पे हमें रिजल्ट क्या आएगा 15 आएगा।
करके देखते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू लैम्डा a कॉलन a प्लस 10। ओके लैम्डा दिस आ गया। तो इस ये जो हमने को डिनोट किया ये वाला, इसके अंदर x के जगह पे जो 15 आ रहा है, जो फाइनल आउटपुट है, दैट इज योर x, x इज इक्वल टू a प्लस 10। तो वहां पे हमें आउटपुट 10 दिखा रहा है वो, 15 दिखा रहा है वो। तो लैम्डा a क्या है हमारा, तो a इज आर्ग्यूमेंट एंड a प्लस 10 इज एक्सप्रेशन। a इज आर्ग्यूमेंट एंड a प्लस 10 इज एक्सप्रेशन। तो हमारा जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट हमें दिखता है वो, ठीक है। सो प्रिंट x ब्रैकेट 5 ऐसा लिखेंगे तो 5 जो होगा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन में जाएगी और हमें आउटपुट फिर मिलेगा, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अ लैम्डा फंक्शन दैट सम्स आर्ग्यूमेंट a b एंड c and print the result. So x is lambda a comma b comma c colon a plus b plus c. Print x 5, 6, 5, 6, 2 ये करके देखते हैं हम लोग। चलो x is equal to lambda a comma b comma c colon a plus b plus c. Print x 5, 6, 2 so 13. Why use lambda functions? The power of lambda is better shown when you use than when you use, जब आप यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि लैम्डा फंक्शन है क्या एग्जैक्टली और क्या पावर है उसको। Then as an anonymous function inside another function, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। Say you have a function definition that takes one argument and that argument will be multiplied with an unknown number. तो मतलब एक आपके पास आर्ग्यूमेंट है ये, और उस आर्ग्यूमेंट को किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस अननोन नंबर को हम लोगों ने फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर ले लेने का है और फिर लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया पहले, ये माई फंक्शन एक फंक्शन है ऑलरेडी, माई फंक्शन जो एक ऑलरेडी फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। करने वाले हैं हम लोग कैसे करेंगे, डेफ माई फंक्शन and return lambda a colon a into n. My doub alia doubler is equal to my function 2. ठीक है, अभी अगर मुझे प्रिंट करना है ये कैसे वर्क करेगा, एक सेकेंड। क्या हो, देखो इधर डिफाइन किया माई फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर है n, रिटर्न लैम्डा a कॉलन a इंटू n। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने माई डबलर माई फंक्शन 2 डाला है, 2 डाला है मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। अभी मैं क्या करने वाला हूं, प्रिंट माई डबलर 11 ऐसा किया। तो अभी मैं इस वे से कर रहा हूं तो a की वैल्यू जो हो गई वो 11 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो 11 इंटू 2
सो हाउ मच वी विल गेट, इट विल बी 11 इनटू 2 मींस 22 आना चाहिए, 22 आ गया, ठीक है। इसी वजह से अगर एक दूसरा मैं सेम हमारा ये डेफ माई फंक्शन जो है और रिटर्न लैम्डा ये सेम रहने देते हैं, खाली हम लोग उसको डिफरेंट चीजें करनी है, सपोज ए की वैल्यू डिफरेंट लेनी है। सो माई ट्रिपलर इज इक्वल टू माई फंक्शन ये, खाली मैं एन की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, माई ट्रिपलर इज इक्वल टू माई फंक्शन थ्री, my function 3 print my tripler 11, तो क्या करेगा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 11 इज योर a एंड n इज योर 3, सो यू शुड गेट 33। लाइकवाइज अगर 4 करना है तो आप my quad of quad something, my quad is equal to my function in bracket 4, so n is equal to 4 हो गया by default, और बाद में print my quad 11 या 13 या 15 जो भी करना है तो उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो एक फंक्शन के अंदर भी आप लैम्डा को इस वजह से डिफाइन कर सकते हो और किसी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो या उसका आउटपुट चेक कर सकते हो। लैम्डा इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन आल्सो एंड इट कैन बी यूज इनसाइड एनी अदर फंक्शन आल्सो। दिस इज जस्ट ए स्मॉल फंक्शन था एक लैम्डा, वो मैंने बताया आपको। हाँ, इसका एक है कि एक्सप्रेशन वो एक ही लेगा एक ही टाइम, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिया तो यहाँ पे रिटर्न लैम्डा ए कॉलन ए प्लस बी, दूसरा ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे, इस पे इसी पे आपको फिर नेक्स्ट सारे जो भी करने हैं परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऐसा है। इट कैन टेक ओनली वन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ए बी सी ऐसा हो सकता है, बट जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है आपको वो एक ही होगा। दिस इज अबाउट लैम्डा फंक्शन। ये दोनों टास्क शीट मैं अपलोड कर देता हूं, आप लोग इसको देखो सॉल्व करो। नेक्स्ट सेशन में दैट मींस ऑन सैटरडे एंड संडे आइदर वी आर गोइंग टू डू टू आउट ऑफ वन थिंग, दैट इज कुछ 15-20 प्रोग्राम है उसमें लॉजिक है लगा के करना पड़ेगा, 20 करीब है प्रोग्राम, वो सॉल्व करेंगे, या क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए, पाइथन में तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पाइथन इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो या कुछ भी तो उसमें आपको पूछा जाता है क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस, तो वो हम लोग देखेंगे और या तो फिर प्रोग्राम देखेंगे, डिपेंड्स। तब तक आप लोग फ्राइडे तक जो आपके पीछे के दो शीट्स बचे हुए वो और ये दो शीट्स है ये दोनों आप लोग फिनिश कर लो, आई अपलोड इट, ठीक है। I'll just circulate attendance. Wait for 2 minutes. Mark your attendance. So we'll see, we'll meet on Saturday. Good night.